दिल अपना उलझा उलझा है, तबीयत बिखरी बिखरी है, न जाने किसके कैसु है, परेशान याद आते हैं। कभी दिन को लहू की नक्शकारी याद आती है, कभी दिन को लहू की नक्शकारी याद आती है, कभी रातों को जख्मों की कभी रातों को जख्मों के चिरागा याद आते हैं। मोबाइल नीचे। बहारे शेर गाहें चांदनी रातें मुलाकातें, हमें अब तक यही ख्वाबे परेशान याद आते हैं। इसको बाहर करो, क्या कर रहे हो यार? भरा रहता था घर जिनसे, साइड हो जा भाई। भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले। जो घर को खड़ गए खाली, अब रहने दो उसको। अब रहने दो, ऐसे मुश्किल हालात में मौलाना महमूद मदनी इस वक्त रो करके मौजूदा हालात को बयान कर रहे हैं। मौजूद है बराह रास्त देवबंद से लाइव, और हमारे बीच में हमारे बड़े दाखे मुफारत दे गए। कुछ महीनों पहले तक हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत अमारत कयादत और उनकी मौजूदगी यकीनन हम सब लोगों के लिए, खासकर फिर मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था कि काम करने का शौक जरूर है, लेकिन थोड़ों का सारा इस तरह हो जाए हमें जरूरत है तो बहरहाल हालात मुश्किल है, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं, कोई मौका नहीं है मायूसी। अभी चंद रोज पहले मैं सोच रहा था कोई साहब कह रहे थे, किसी ने लिखा था कि ये लोग आराम से हैं, मुश्किल तो उसकी है जिसका कोई सहारा नहीं। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था बजाहिर जिसका कोई सहारा नहीं उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। हां, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, और हम कमजोर लोग हैं। कमजोरी का यह मतलब नहीं है तो कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है
कि हम पैगंबर हैं अमन के, पीस के, शांति के। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो यह फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और यह ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पर समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है, हमारा ईमान हमको उस रास्ते पर ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। ये हमारा ईमान सिखाता है, वरना तो कहने वाले ने कहा वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या, तू रईस शहर सितम दरा मैं गदाए कूच ए आशिक, तू रईस शहर सितम दरा मैं गदाए कूच ए आशिक, तू अमीर है तो बता मुझे मैं गरीब हूं तो बुरा है क्या, तू जफा में मस्त है रोज शब, गौर कीजिएगा, तू जफा में मस्त है रोज शब, मैं कफन बदोश गजल बलब, तेरे रोब हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। खामोशी सबर का इम्तिहान, वो चाहते क्या है, उनका एक्शन प्लान क्या है, समझ लीजिए अच्छी तरह से। मैं बार बार इस बात को दसों साल से कह रहा हूं, गोश गुजार कर रहा हूं, खुसूसन अपनी जमात के साथियों से, इस मुल्क में बसने वाले लोगों में अक्सरियत उन लोगों के लिए नहीं है जो नफरत के पुजारी हैं, जो नफरत के खिलाड़ी हैं उनकी अक्सरियत नहीं है। पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। मुल्क की खामोश अक्सरियत, बस ये बदकिस्मती है कि वो अक्सरियत खामोश है, मुल्क की खामोश अक्सरियत, साइलेंट मेजोरिटी आज भी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि नफरत के बाजार में, नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं, वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं। और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता, याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आपको पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। हां यह बात मैं बहुत एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि तेरे रोब हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। मैं ये कह देना चाहता हूं अगर जरूरत पड़े तो,
दुआ है ये, ऐसा वक्त ना आए हमारे मुल्क पर, हमारे वतन अजीज पर। बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां देके इस मुल्क को आजाद कराया, हमें सिखाया है, हमारे खून में है, हमारे जीन्स में है, हमारी बुनियाद में है कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वतन अजीज की सलामती के खिलाफ। बातें तो बहुत लोग राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्र सुरक्षा की करते हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीख। तुर्की बतुर्की करने का तो हमारे पास बहुत आसान है, ये तो एक आम आदमी का रिएक्शन होता है, अगर तुम ऐसा कहोगे तो हम ऐसा कहेंगे। तुम हमारे बड़ों को गालियां दोगे, बेइज्जत करोगे, तो हम तुम्हारे बड़ों को बेइज्जत करेंगे, गालियां देंगे। ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। न किया है और न करेंगे इंशाअल्लाह, जो हमें हुक्म दिया गया है, हमें ये हुक्म दिया गया, हुक्म देके हमें रोक दिया गया, आप नहीं कर सकते। थोड़ी तकलीफ रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, थोड़ी तकलीफ रसन, रसन कहते हैं कैद को, थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, उसके बाद ए दोस्तों आराम ही आराम है, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है, सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दारो रसम को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला के दारो रसम को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। कोई लिखने वाला लिखेगा, कोई बोलने वाला बोलेगा, उस पर नहीं होगा, आपके फैसले से। आप जमीयत उलमा हैं, आप यहां बैठे हैं, आप फैसला करके जाएंगे। अगर आप फैसला करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा हमारा खून होगा। बुजुर्गो दोस्तों, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने में यकीन नहीं रखते। याद रखिए, कहने में यकीन नहीं, करने में यकीन। मैं अपने लिखने वाले और बोलने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं, करिए, अगर करना है तो कुछ करिए, बोलने की जरूरत नहीं। अभी मस्जिदों के बारे में, इबादतगाहों के बारे में आपके सामने आज शाम को या कल सुबह तजवीज आएगी, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह।
इस वक्त नहीं, जब तक वो तजवीज पेश नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। ध्यान रखिए, जमात के फैसले से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए, और जमात के फैसले के बाद कदम पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, जिसने घर के लिए कुर्बानी दी होती है, जिसने किसी चीज को हासिल करने के लिए कुर्बानी दी होती है, त्याग किया होता है, बलिदान दिया होता है, उसको उस घर की, उस सामान की ज्यादा फिक्र होगी या उनकी होगी जिन्होंने माफिया मांगी होती हैं? किसको होगी? जिसने कुर्बानी दी। याद कीजिए अपने बुजुर्गों को। हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, साल हा साल जेलों को आबाद किया, एक जेल नहीं कितनी सारी को आए। पूछा था उसने, अंजाम जानते हो? कहा कफन लेके आया हूं, कफन साथ है मेरे बगल, तुम्हें मेरे कफन का भी इंतजाम नहीं करना पड़ा। आप, आपके अजदाद थे, आप उनकी विरासतों के अमीन, आप हैं उनकी विरासत। एक नए हौसले, नए जोश, नए जुनून है, एक नए खून की जरूरत है जो मुल्क को गलत रास्ते पे जाने से बचाए, जो उनकी प्लानिंग को नाकाम करे, जो हमारे रिएक्शन को अपनी प्लानिंग से पहले तय कर लेते हैं, हम ये करेंगे तो ये करेंगे मुसलमान, और वो ये करेंगे तो हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मकसद से करीब होते चले जाएंगे। हम वो नहीं करेंगे जो तुम करवाना चाहते हो, हम वो करेंगे जिसको हम जिस वक्त सही समझेंगे। तुम्हारी बनाई हुई प्लानिंग पर हम नहीं चलेंगे, हम अपनी प्लानिंग पर चलेंगे। हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, याद रखिएगा, टेक्निकल तौर पर हम अकलियत हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों को अगर एक जगह जमा कर लिया जाए तो हम आज भी अक्सरियत में हैं और तुम आज भी अकलियत हैं, भले इक्तदार हो तुम, और इक्तदार हमेशा रहता नहीं है, हमेशा रहने वाली चीज है ही नहीं इक्तदार, कौमें रहेंगी इंशाल्लाह, और वो उनका भी एक वक्त आएगा, इंसानों का भी एक वक्त आएगा, जाना ही पड़ेगा, साथ सिर्फ अल्लाह की बातें हैं, जिसके लोगों ने अलग अलग नाम रखे गए, वो साथ जिसको बाकी रहना है। बाकी सब खत्म हो जाएगा, आप लोग यहां तशरीफ लाए हैं, मैं शुक्रगुजार हूं, हमें हौसला मिलता है आपके आने से, और यहां मौजूद मोतबर शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकात, हमारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मौजूद, हजरत मौलाना रहमतुल्ला मीर कासमी साहब शाम को आप लोग उनको भी सुनेंगे, कश्मीर से तशरीफ लाए हुए, इसी तरह और बहुत सारे अकाबिर यहां मौजूद हैं, सबके नाम लूंगा। मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब को सुना भी आप, हमारे हाजी हारून साहब हैं, जमीयत उलमा की रीढ़ की हड्डी हैं, मध्य प्रदेश में, पता नहीं मैं तारीफ कर रहा हूं या बुराई कर रहा हूं, ये तो वही जानेंगे, हमारे दोस्त हैं। मौलाना सलमान बिजनौरी साहब तशरीफ करते हैं, मुफ्ती इफ्तिखार साहब हैं, मौलाना बहुत सारे लोग हैं केरला से, हमारे मौलाना इब्राहिम साहब हैं,
साबिर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा किसका नाम लूं किसका छोड़ूं। मुफ्ती सलमान साहब, ये हजरात जमीयत उलमा का जमीयत उलमा की तारीख को, जमीयत उलमा के कारनामों को, जमीयत उलमा की रहनुमाई के लिए, जमीयत उलमा का लाहे अमल तय करने के लिए ये वो शख्सियात हैं जो अपने कीमती औकात में से बहुत सारा वक्त दिन दिन लगा करके एक एक तजवीज के एक एक लफ्ज पर और उसका क्या नतीजा निकलेगा उस पर बहस करके रिजोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। 12-15 रेजोल्यूशन हुए हैं, उनमें से 3 ही अभी आए हैं आपके साथ। और आप लोग मुल्क के दूर दराज इलाकों से जो लोग हैं, जो कारकुन हैं, जो काम करने वाले हैं, अगर जमीयत उलमा है तो आप लोगों की वजह से, अगर आप नहीं तो जमीयत उलमा नहीं। और अगर आप जितना ज्यादा मजबूत होंगे, जितना ज्यादा मुनज्जम होंगे, जितना ऑर्गेनाइज होंगे, जितना संगठित होंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना जमीयत उलमा आगे बढ़ेगी। और जमीयत उलमा भारत के मुसलमानों के इज्जत और वकार की जामिन जमात है। आप कमजोर हो गए, जमीयत उलमा कमजोर हो गई, तो भारत का मुसलमान कमजोर हो जाएगा, भारत कमजोर हो जाएगा। आपकी मजबूती इस देश के लिए जरूरी है। मैं कहता हूं अपने गैर मुस्लिम दोस्तों से, बड़े लोगों से, इकतदार में बैठे हुए लोगों से, जब गुफ्तगू का मौका मिलता है, मैं हमेशा कहता हूं आपको यह गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि यह भारत के मुसलमानों की तंजीम है। यह भारत के मुसलमानों की तंजीम नहीं है, यह भारत की तंजीम है, यह इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कमजोरी इंडिया को कमजोर करेगी, इसकी ताकत इंडिया को मजबूत करेगी। अगर यह मजबूत होगा तो इंडिया मजबूत होगा। इसको समझना होगा, बिरादरान वतन को समझना होगा। इत्तेफाक से अभी दौर चला है मीडिया में मुकाबले का, कितना न्यूज को कितना सेंसेशनलाइज किया जा सकता है, इसका मुकाबला हो रहा है। अब आपके जुमले, मेरे जुमले पूरे के पूरे सही सही या बिगाड़ के कैसे खड़ा किया जाए, इसका मुकाबला चल रहा है। नतीजा यह है कि खाई बढ़ रही है। इस खाई को घटाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है और हमारी मीडिया की, हमारे मीडिया के दोस्तों की। हमारी एक हद तक जिम्मेदारी है, वो हम हमेशा पूरी करी है, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अरे इधर से मत। लेकिन आप अगर अपनी जिम्मेदारी से मतलब करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो आप जिम्मेदार हो, हम नहीं जिम्मेदार हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, आज पहली नशिस्ती है, इंशाल्लाह हम शाम को भी आपके साथ बैठेंगे, कल सुबह भी बैठेंगे इंशाल्लाह, नए इरादों के साथ, काम को पूरी ताकत के साथ करने की नीयत के साथ। याद रखिएगा, पहला काम शुरू होता है नीयत से। आप नीयत करेंगे कि हाँ काम करना है, आराम नहीं करना है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूं कि मैंने अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर में मेहमान की तरह अपनी जिंदगी तजदीद की। मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब कल वर्किंग कमेटी में कह रहे थे कि तुम सफर नहीं करते हो। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, ये सही है, मैं सफर नहीं करता हूं क्योंकि नाकार आदमी हूं। उन्होंने तो अपनी जिंदगी सफर में गुजार दी। मुझसे हजरत रहमतुल्लाह अलैह का एक मुखालिफ जो बहुत क्रिटिसाइज करता, वो कह रहा था
या और तो सब बातों पर हमारा जो भी हो, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जिसे रेलवे ट्रैक उन्हीं के लिए बिछाए गए, जिंदगी गुजारती सफर में आपके पीछे बस एक ही धुन थी, काम काम और काम और काम, और वो भी जमीन अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे और मुझे भी कुछ उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, उससे ज्यादा आप लोगों को तौफीक अता फरमा दे। क्योंकि ये लोग ये कहते हैं काम करना कमाल नहीं है, काम लेना कमाल है। अब मेरे अंदर वो कमाल नहीं है कि मैं काम ले सकूं, काम करने वाला आदमी हूं नहीं, तो पर वो जबरदस्ती मुसल्लत हो गया हूं। दुआ करिए कि अल्लाह ताला जब तक यहां मौजूद रखे वो कुछ खिदमत हो जाए। वाह।